नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है 3 नवंबर 2019 को, उससे संबंधित एक और मॉडल प्रश्न पत्र की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला चैनल है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित जल संधि कौन सी है। तो आपको बता दें दोस्तों, इस जल संधि का नाम है डोवर जल संधि। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों आपको बता दें, जो मैथ के क्वेश्चन होंगे मोस्टली मैं क्या करूँगा, मैं आपको आंसर बताऊँगा। अगर आप मैथ के टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको सार्थक क्लासेस के वीडियो पोर्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी मैथ्स नाम से। आप उस लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं मैथ से रिलेटेड देख लीजिए, आपके जो भी कंसेप्ट हैं खासकर GDC एग्जाम से वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्स एवं वाई किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण करते हैं, परंतु जब एक्स अपनी दोगुनी क्षमता से एवं वाई अपनी आधी क्षमता से कार्य करते हैं तो कार्य 4 दिन में ही समाप्त हो जाता है। एक्स को अकेले कार्य पूरा करने में लगे दिनों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। ऑप्शन 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन या 12 दिन। आप वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व कीजिएगा और तब आप आंसर देखिएगा। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा बी, 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारी पानी बोर्ड की स्थापना किस शहर में की गई थी। तो आपको बता दें दोस्तों, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारी पानी बोर्ड की स्थापना जो है मुंबई शहर में की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगी। देखिए, प्रश्न यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र है, जरूरी नहीं कि ऐसे प्रश्न आपको पेपर में भी मिले। हाँ, लेकिन मेरा ये जरूर प्रयास रहता है कि हर प्रश्न के अगर और डीपली में आप जाके सर्च करते हैं, इसका जो इसकी हिस्ट्री है देखते हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा। बोंडा किस राज्य की जनजाति है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जो बोंडा जनजाति है दोस्तों, ये आपकी तमिलनाडु राज्य की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कारण से मैंने हटा दिया है, इलिवेंट मुझे लगा इस एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 50 छात्रों की एक कक्षा में 13 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, इन फेल छात्रों के नाम हटाकर बनाई गई योग्यता श्रेणी में पवन का नाम ऊपर से 20वां है, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 50 छात्र थे, 13 फेल हो जाते हैं, तो बचते हैं टोटल 37 स्टूडेंट जिनकी लिस्ट बनाई गई है, और इन 37 विद्यार्थियों में ऊपर से पवन का स्थान 20 है, यानी 20 के बाद 17 विद्यार्थी हैं। तो जब आप नीचे से काउंट करेंगे तो 17 तो है ही है, और प्लस एक स्थान जो और है पवन का वो हो जाएगा, तो 18 इसका आंसर आएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 18। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बात करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 जारी हुई है, जिसके अनुसार अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो यह है दोस्तों 138वीं। अब आपको ये ज़रूर देखना है कि इसमें पहली रैंकिंग किस देश की है, दूसरी किसकी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिनको आपको सर्च करना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया, यानी डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी उसके अंतर्गत झांसी को कब मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ये मिलाया गया था दोस्तों 1853 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वराज को पूर्ण रूप से विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था। जी हाँ, एक बार क्वेश्चन फिर से कि किसने स्वराज को जो है पूर्ण रूप से विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था। तो यह किया था मौलाना हसरत मुहानी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मक्का एवं मूंगफली किस प्रकार की फसलें, भूगोल से प्रश्न है दोस्तों। जैसा आप लोग जानते हैं कि मक्का और मूंगफली जो है खरीफ की फसलें हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपलब्ध रहता है। तो देखिए दोस्तों, जो कोशिका है उसमें जो नाभिक है और जो माइटोकांड्रिया दोनों में ही DNA पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी तथा सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी बर्तन में कोई द्रव इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 5 मिनट में द्रव की मात्रा दुगनी हो जाती है, यदि बर्तन को पूरा भरने में 45 मिनट का समय लगता हो, तो इसे 1/8 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, हर 5 मिनट में बर्तन पूरा भर जा रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर इसको हम उल्टा देखें, मतलब दूसरे नज़रिए से देखें, तो ये 45 मिनट में पूरा भरता है, तो 45 मिनट से 5 मिनट पहले यानी 40 मिनट में आधा रहा होगा, फिर 5 मिनट पहले यानी 35 मिनट में ये 1/4 रहा होगा, फिर 5 मिनट पहले यानी 30 मिनट में ये 1/8 रहा होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए बी, 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख मिलता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, काफ़ी चर्चित है, सब लोग आप लोग इससे परिचित होंगे, तो आपको ये बताना है कि इसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलता है। तो आपको बता दें दोस्तों, जो आनंद मठ उपन्यास है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो मुख्य रूप की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको बता दें जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मुख्य रूप से स्थित है। ऑप्शन सी 14 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारी जल जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है कि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारी जल का जो रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है D2O से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, यानी जो उसकी गति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर की भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो इस भारी जल की जो खोज की थी वह की थी HC डरे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांसीसियो द्वारा अपना पहला कारखाना सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया, सब लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो आंसर बताने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि देखिए अब जब बहुत कम समय बचा हुआ है, 3 नवंबर के एग्जाम प्रस्तावित हैं, तो पूरा अक्टूबर और लगभग जो सितंबर में कुछ दिन बचे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इस समय प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस में भी आपको अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है, और साथ ही साथ जो है जो आपका GS पोर्शन है इस पर भी आपको नज़र रखनी है। तो अगर GS पोर्शन की आप और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि एक पेड ग्रुप है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ सबकी आपको हैंड रिटन PDF मिलती है, प्लस क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट, मॉडल क्वेश्चन और बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं साझा कर पाता, तो वो भी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है दोस्तों 9506543831। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाँ तो आंसर हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रांसीसियो द्वारा अपना पहला कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था, इसके संस्थापक कौन हैं। तो इसके संस्थापक हैं फ्रैंक कैरो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार किस देश के पासपोर्ट को पहला स्थान प्राप्त हुआ। देखिए अभी क्या है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसको आप एक बार गूगल कर लीजिए, अदर सोर्सेज जो है वहाँ से भी आप देख लीजिए, पूरी डिटेल में इसको आप देख लीजिए कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 जो है ये क्या है, इसमें पहला स्थान किसका है, भारत का कौन सा स्थान है, दूसरे स्थान पर कौन है, और ये किस लिए जारी होता है। ये चीज़ें आपको जो है आपको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके अनुसार पासपोर्ट पहला स्थान की अगर हम बात करें तो पहला स्थान जो मिला हुआ है जापान को मिला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में सरकार द्वारा सिंडिकेट बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में करने की घोषणा की गई। दोस्तों अभी देख लीजिए कि बैंक से संबंधित बहुत सारे उतार चढ़ाव और बदलाव होने को हमें देखने को मिल रहे हैं, करंट से रिलेटेड, और हो सकता है काफ़ी संभावना बनती है कि जो आगामी आगामी होने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बने। तो एक मॉडल प्रश्न पत्र क्या है कि सारे फैक्ट तो मैं नहीं यहाँ पर दे सकता हूँ, एक सिंपली आपको उस तरीके के क्वेश्चन मैंने बनाने का प्रयास किया हुआ है सो दैट कि और अधिक जानकारी आप कलेक्ट कर सकें। तो हाल ही में सरकार द्वारा सिंडिकेट बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में करने की घोषणा की गई, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों राइट आंसर होगा केनरा बैंक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल, जी हाँ दोस्तों देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल किस नदी पर बनाया गया। तो किस नदी पर बनाया गया है, इसकी लंबाई क्या है, किस राज्य में स्थित है, इससे क्या बेनिफिट होने वाले, ये कुछ प्रश्न हैं जो ये प्रश्न अपने पीछे अगले प्रश्नों को छोड़ जाता है। तो अभी हम इस प्रश्न के उत्तर करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी सियांग नदी। अन्य प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20, 98 से 1000 के मध्य ऐसी संख्याओं की संख्या जिनमें इकाई के स्थान पर 7 है, यानी यूनिट प्लेस पर जो है 7, ये आपको बताना है, कैलकुलेट कीजिएगा आप इसको, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका 90, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 90। मध्य प्रदेश स्थित बाघ गुफाओं में अंकित चित्रांकन किस काल की ओर इशारा करते हैं या जानकारी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको बता दें बाघ गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा गुफाएं हैं,
और यहाँ की गुफाओं में चित्रकारी की गई। ये चित्रकारी जो है प्रमुख रूप से जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, चाहे लगोगा की चित्रकला हो चाहे बाघ की चित्रकला हो। और अब बात उठती कि जो बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है, इनमें जो चित्रांकन किया गया वो किस काल की ओर इशारा करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि एलोरा जो बाघ की गुफाएं हैं इनकी संख्या क्या है, इस तरह जनता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी कितनी संख्या है, किसको जो है चित्रकला कहा जाता है, कितनी गुफाएं शेष है, तो ये कुछ क्वेश्चन है हिस्ट्री के यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 22, वह चोल शासक जिसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। देखिए दोस्तों है क्या कि इतिहास पढ़ते पढ़ते हम लोग कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के इतिहास पर उतनी नज़र नहीं डाल पाते, तो दक्षिण भारत के इतिहास भी आपको को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि आप अन्य इतिहास को देते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। तो चोल शासक की बात हो रही जिसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका नाम था दोस्तों राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, वैट लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, वैट से आप सभी लोग संबंधित हैं, तो वैट लागू करने वाला जो विश्व का प्रथम देश है वो है फ्रांस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24, जैतून मुख्यतः प्रजाति है, आपको बताना जैतून मुख्यतः प्रजाति नहीं किस तरह की ये वनी प्रजाति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भूमध्य सागरी वन की, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 24 में। क्वेश्चन नंबर 25, नील निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक सॉरी दोस्तों नील निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करने वाला संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कौन सा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करने वाले संविधान संशोधन की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये संविधान संशोधन है दोस्तों 42वां। आपको बता दें दोस्तों कि 42वां संविधान संशोधन आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे और अक्सर ही प्रश्न बना करते हैं, तो इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। 25 का सी आंसर। 26, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया, तो जो भारतीय राज्य हैं इनका भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था 1956 में। क्या इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इसको आपको सर्च करना चाहिए। आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2019 के अनुसार भारत का स्थान है, तो पहले तो बता दें जो आईएमडी द्वारा जारी की जाती है विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, और यहाँ पर अगर भारत की बात की जा रही है तो भारत को जो स्थान है दोस्तों वो 43वां है, ऑप्शन बी 27 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला किसका है लास्ट किसका है, ये फिर दो क्वेश्चन ये प्रश्न अपने पीछे छोड़ जाता है, जिसे आपको सर्च करना है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और अच्छी होगी। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सबसे पहले विश्व विरासत शहर घोषित किया, क्वेश्चन नंबर 28, तो भारत का जो सबसे पहला शहर है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत शहर घोषित किया वो है अहमदाबाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 में। अगले दो क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ग्राफ पे आधारित है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें ग्राफ स्टडी कर लेना चाहिए। देखिए ग्राफ है जिसमें ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 10%, ई 30%। ये ग्राफ क्या जानकारी दे रहा है, पांच अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित कुल बाइकों की संख्या का विभाजन दिया गया है, तो पहला प्रश्न ये बनता है कि यदि कुल बाइकों की संख्या 18,000 रही हो तो बी और डी द्वारा बेची गई बाइकों का अंतर कितना होगा। देखिए परसेंटेज की बात हो रही है तो बी का जो 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 20% अगर आप 18,000 का देखिए सीधे निकालिए, 18,000 का 10% 1800, 20% 3600, तो बी ने 3600 बाइक बेची और डी ने 10% यानी 1800 बाइक बेची, तो 3600 माइनस 1800 बराबर 1800, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है दोस्तों। सी तथा ए द्वारा बेची गई कुल बाइकों का, तो पहले हम सी और ई की बाइकें निकाल लेते हैं, सी है 25%, सी और ए है 15, 25 और 15 40%, 40% का मतलब है जब 18,000 का 10% 1800 है तो इसका 4 गुना, 18 6 18 3 54, 18 6 72, 7200 बाइक के कुल मिला के ए और सी ने बेची, ई द्वारा बेची गई बाइकों से अंतर, ई ने 30% बेची, तो इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ए और सी का परसेंटेज सम करते हैं तो 40 होता है और ई 30 है, तो 40 में 30 माइनस कर दें 10% आएगा, और 10% कितना होगा 1800 होगा,
ये ज़्यादा सरल है कि ऐसे अलग अलग कैलकुलेशन हम करें। इससे अच्छा है कि पहले हम परसेंटेज को ही सॉल्व कर लें और फिर सीधे परसेंटेज से हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ए और सी 25 और 15 40% और ई ने बेची 30%, तो जो अंतर आया 40% माइनस 30% यानी 10% का आया, और 18,000 का 10% 1800, तो ये हो जाएगा 1800 आपका ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए दोस्तों ये आंसर मैंने दे दिया हुआ है, यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरा पूरा प्रयास रहा हुआ है कि मुझसे मिस्टेक ना होने पाए, लेकिन ह्यूमन बींग्स होने के कारण हो सकता है कहीं मुझसे मिस्टेक हुई हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं और करंट अफेयर्स वगैरह भी ऐसे कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी बदला भी करते हैं, तो हो सकता है कि अपडेशन में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आपको ऐसी कोई कमी नज़र आती तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या मुझे ऐसी कोई कमी मिलती तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में जाके सबसे पहले पिन कर देता हूँ, सो दैट कि आप जो कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो ऐसे जो करेक्शन होता है वो आपको सबसे पहले दिख जाता है, क्योंकि एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद दोबारा उसमें कोई सुधार कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।